A ball is dropped from a height of 19.6 meter above the ground. It rebounds from the ground and raises itself up to the same height. Take the starting point as origin and vertically downward as the positive x-axis. Draw the appropriate xt, vt, at graphs. Neglect the small time interval during which the ball was in contact with the ground. अब इसी कंडीशन को हम लोग एक डायग्राम के साथ समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले जो हमको क्वेश्चन में गिवन है कि एक बॉल है, उसको हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं कुछ हाइट से. वो हाइट दे रखी है हमको 19.6 मीटर. ओके, 19.6 मीटर से आपने एक बॉल ड्रॉप करी. ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको क्वेश्चन में एक्स माना गया है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन माना गया. ठीक है, तो डाउनवर्ड को हम लोग पॉजिटिव एक्स मान लेंगे. अब हम लोग देखते हैं कि जब बॉल कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, यानी कि एक सेकंड बाद, तो वो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो होता है 4.9 मीटर. इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ? डाउनवर्ड मोशन देखते हैं हम लोग. तो एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर. ओके, यहाँ मैंने लिखा हुआ है यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर. ओके, यू एक्स जीरो है, ए एक्स प्लस जी है, क्योंकि नीचे वाली डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन माना हुआ है. अब यू एक्स इज जीरो, तो ये वाला पूरा टर्म जीरो है. हाफ ए एक्स दैट इज जी टी स्क्वायर, टी की जगह डालेंगे वैल्यू 1 सेकेंड. तो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 4.9 मीटर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो बॉडी यहां पे पहुंच गई. ओके, अब यहां पे वेलोसिटी भी हम लोग निकाल सकते हैं रूट टू जी एच करके. ओके, ये फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रूट टू जी एच एट एनी हाइट. अब हाइट हमारे पास है 4.9 मीटर, ठीक है ना, और 2 इंटू जी, जी 9.8 डालेंगे तो हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी. वो आएगी प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ऐसे ही बॉडी जब घूम के ऊपर जाएगी तो यहाँ पे आएगी माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब नेक्स्ट सेकेंड के अंदर टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे यहाँ पे पोजिशन है. टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे वो ग्राउंड पे पहुंच जाती है 19.6 मीटर. हम लोग यहाँ इक्वेशन चेक कर सकते हैं. यू एक्स अगेन जीरो, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, टी की जगह वैल्यू डालेंगे 2, ए एक्स की जगह वैल्यू डालेंगे जी 9.8, हाफ 9.8, 2 होल स्क्वायर 19.6 मीटर. यानी कि बॉल जो है अब वो अबाउट टू टच द ग्राउंड, ये उसकी पोजीशन है. और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसकी? अगेन वी इक्वल्स टू रूट टू जी एच, वैल्यू डालेंगे और 9.8 मीटर पर सेकेंड हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की. ठीक है, अब ये तो होगी डाउनवर्ड मोशन की बात. अब जब वो ग्राउंड को टच करेगी तो बिना एनर्जी लूज करे वापस रिबाउंड हो जाएगी. ठीक है, रिबाउंड होगी तो जो उसकी वेलोसिटी होगी सेम वेलोसिटी होगी, क्योंकि एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है. ठीक है, अब जब रिबाउंड होगी तो वेलोसिटी अगेन 19.6 ही रहेगी मीटर पर सेकेंड, लेकिन नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना हुआ है एज गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं. अब यहां से हम लोग ऊपर तक का जो रूट है इसका, जो इसका सफर है, उसको हम लोग अपवर्ड मोशन में काउंट करेंगे. अब यहां से अगले सेकंड में बॉडी यहां पहुंच जाती है. देखिए u, ये इनिशियल वेलोसिटी है यहां पे इसकी, माइनस लेंगे, माइनस यू एक्स टी दैट इज अगले सेकंड में, 1 सेकंड में, आफ्टर 1 सेकंड अगर ये मेरी स्टार्टिंग पॉइंट है तो, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर, तो माइनस 14.7 मीटर. यानी कि ग्राउंड से माइनस 14.7 मीटर हाइट पे बॉल पहुंच गई है. यानी कि हमारा रेफरेंस पॉइंट तो ऊपर था, ऊपर से अब कितनी दूर है? अगेन 4.9 मीटर ही दूर है. यानी कि यहां से यहां आने में 1 सेकेंड, फिर यहां से यहां आने में टोटल 2 सेकेंड, और फिर यहां से आने में वापस 1 सेकेंड. यानी कि यहां से वापस यहां तक जाने में टोटल 3 सेकेंड्स लग रहे हैं उसको. ठीक है, अब वापस यहां से जहां जाने में एक और सेकंड लगेगा, क्योंकि कंजर्वेशन है यहां पे, एनर्जी कंजर्व्ड है. तो वापस से हम लोग देख लेंगे, माइनस यहां से वापस टॉप हाइट पर जाने के लिए 2 सेकंड्स लगेंगे उसको. माइनस 9.6 इंटू 2 प्लस हाफ 9.8 इंटू 4, और आपके पास 19.6 आ जाएगा. यानी कि 19.6 वो नीचे चली और वापस 19.6 वो ऊपर चली, तो यानी कि वो वापस अपने मेन पोजीशन पे पहुंच गई है. और फाइनल वेलोसिटी v4, टोटल 4th सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0. ठीक है ना, तो इस डेटा को डाउनवर्ड और अपवर्ड मोशन को आपने सेपरेटली सॉल्व करना है. इतना समझ में आ गया? अब हमको इसी डेटा को लेते हुए xt, vt और at ग्राफ बनाने हैं. तो ये रहा आपका xt ग्राफ. देखिए अब एक बात आप अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए
कि जब भी एक्सेलरेटेड मोशन होगा और आप बना रहे हैं एक्सटी ग्राफ, तो एक्सटी ग्राफ होगा कर्व, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, प्लस जो यहां से ऊपर से नीचे आ रही है ना बॉल, तो एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब इस ग्राफ में देखिए आप क्या करेंगे हम लोग, इस ग्राफ से वेलोसिटी भी पॉजिटिव है क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, बॉडी नीचे जा रही है, वेलोसिटी भी उसकी नीचे की तरफ ही है, वो भी पॉजिटिव है। तो जो एक्सटी ग्राफ का स्लोप होता है ना, वो मेरे को क्या बताता है, वेलोसिटी देता है वो। अब आप देखिए स्लोप कैसा है, इस पॉइंट को देखिए, ये स्लोप है, फिर धीरे 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 स्लोप, बट स्लोप पॉजिटिव है। देखिए ये जो एंगल बना रहा है एक्यूट एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो टैन थीटा अगर एक्यूट है तो मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब टैन थीटा देखिए जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे स्लोप बढ़ता जाएगा और यहां पे मैक्सिमम स्लोप आ गया, तो स्लोप बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है यानी कि वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो यानी कि इस पॉइंट पे 2 सेकंड्स पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। उसके बाद देखिए आप स्लोप नेगेटिव हो गया, ये स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव, ये ऑब्ट्यूस एंगल बन गया, ठीक है ना। अगर आप यहां से शुरू करेंगे और हर पॉइंट पे लेते जाएंगे तो धीरे 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 देखो इसको फिसल पट्टी मान लो, फिसल पट्टी अब खत्म होती जा रही है यानी कि स्लोप जीरो होता जा रहा है, स्लोप जीरो होता जा रहा है यानी कि वेलोसिटी जीरो हो गई। तो यहां पे आफ्टर 4 सेकंड्स अगेन वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आफ्टर 4 सेकंड्स वेलोसिटी जीरो हो जाती है और मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जब वो जस्ट अबाउट टू टच द ग्राउंड। तो ये हमने अप्रोक्स मान लिया 20 मीटर्स के लिए, ठीक है ना। अब इसके साइमल्टेनियसली हम लोग वीटी ग्राफ भी देख लेते हैं। अब क्योंकि वेलोसिटी जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है और वीटी ग्राफ का जो कर्व जो स्लोप होता है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको एक्सेलरेशन देता है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप देखिए यहां पे ये कांस्टेंट स्लोप है, चेंज नहीं हो रहा, चेंजिंग स्लोप नहीं है, कांस्टेंट स्लोप है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब स्लोप बताइए, एक्यूट एंगल है तो इसका मतलब टैन थीटा पॉजिटिव है, स्लोप भी पॉजिटिव होगा और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी बढ़ रही है, मैक्सिमम कहां पे हो जाती है, यहां पे हो जाती है मैक्सिमम, कितनी हो जाती है, 19.6। तो यहां पे हम लिख सकते हैं लगभग यहां पे 20 मीटर पर सेकेंड हो गई है वेलोसिटी, ओके। उसके बाद क्या होता है, एकदम से वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब नेगेटिव हो गई वेलोसिटी, यहां लिख देते हैं हम लोग -20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी और फाइनली 4 सेकंड्स पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी कि हम लोग एट द टॉप पॉइंट पहुंच गए हैं यहाँ पे। अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही रहा और पॉजिटिव ही रहा, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट और पॉजिटिव रहा, ठीक है। सो दिस इज द होल थिंग, थैंक यू।